मनुष्य ऐसा प्रवृत्ति नहीं, इसी रूप से भोग भोग की जो प्रवृत्ति है, सेक्स की जो प्रवृत्ति है, ये पशुओं की प्रतिबंधित है। इनको सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, ना केवल फीमेल की बात। लेकिन मनुष्य वहां आसक्ति की कोई स्थान नहीं है, पशु में पक्षी में कहीं आसक्ति का स्थान नहीं। लेकिन मनुष्य में ये जो प्रक्रियाएं हैं, भाषा भोग और भोजन, ये मनुष्य में विशिष्ट आसक्ति नहीं है, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, थोड़ी दिन तक ऐसा रहता हुआ आसक्ति नहीं है, आसक्ति तो लगती नहीं, उसको उसको एक इंस्टिंक्ट अंग्रेजी में एक शब्द है नेचुरल। प्रकृति और चेतन की बात हुई, प्रकृति चेतन तो सबके अंदर है, सृष्टि से जितने पदार्थ सभी में यही दो तत्व है, लेकिन वहां पर प्रकृति का पूर्ण विकास है, यहाँ पूर्ण विकास हो गया है। लेकिन जो जो आगे भी हमारी गति करवानी है अच्छी तरह से जा रहा है, वो प्रकृति में जाएगी, चेतन जब नहीं, प्रकृति ले नहीं जाएगी। अब आगे जीवा है उस चेतन, जो जीव आत्मा है ना, जीव आत्मा, अब जीव आत्मा की जिम्मा, जीव आत्मा यदि प्रकृति के सहारे चलेगा तो आगे जाएगा, ये प्रकाश में चलेगा तो, प्रकृति के भोग में लगेगा तो नीचे जाएगा, मरेगा। अब प्रकृति की जिम्मा नहीं, प्रकृति ने मनुष्य को कहा जो तुम खाओ, अब यदि वो जीव की सहारे रह जाएगा तो बीमार होगा खा करके, यदि संयम बरतेगा तो अपने आप को सुरक्षित रखेगा। आहार विहार व्यवहार स्थिति, भाषा भोग और भोजन, ये तीनों में अब वो स्वतंत्र, किस प्रकार का भाषा प्रयोग करेगा ये प्रकृति नहीं बताती, ये उसके ऊपर अच्छी संगत हो गया तो शुद्ध भाषा आ गई, संस्कृत आ गई, विनम्र हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, क्योंकि देववाणी बोल रहा है, और नहीं तो राक्षसी भाषा है। अब ये उसके ऊपर निर्भर है कैसा सब जी आत्मा जीव आत्मा जो है दोनों का मिश्रण है, और दोनों का मिश्रण जो है वही गड़बड़ होती है। अब इसमें जिसका पल्ला भारी हुआ उसकी तरफ खुल जाता है, इसीलिए गुण कहते हैं सत्वादूपा सर्वस्व श्रद्धा भोगता श्रद्धामय अयम पुरुष है यह श्रद्धा से, यहाँ से उसकी शुरू है। उससे पहले तक तो प्रकृति के अधीन है, मनुष्य के बाद प्रकृति के अधीन। इसलिए असमूढ़ समर्तेषु, मर्तेषु की बात करें, मर्तेषु माने मनुष्यों, कि मनुष्य की ही जिम्मेदारी है कि असमूढ़ बनेगा या समूढ़ बनेगा। पशु पक्षी समूढ़ और असमूढ़ नहीं है, मनुष्य। तो भगवान कहते हैं असमूढ़ समर्तेषु, जो मेरे इस महत्व को, मेरे प्रभाव को, मेरी महिमा को जान लेता है वह मर्तेषु असमूढ़, वह मनुष्यों में पूर्ण प्रज्ञ हो जाता है और सर्व पापै प्रमुच्यते, और वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पाप माने सर्वता कर्म, जो रक्षक से दूर करे। पाप शब्द का केवल एक अर्थ याद रख लो, पा अपान करोति, पाप जो पा माने रक्षक है, रक्षक कौन है, परमात्मा और ज्ञान। रक्षक के दो रूप बताए है तो एक ही ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ही ज्ञान है। तो पा अपान करोति, जो पास मैंने रक्षक से दूर ले जाए, जो क्रिया जो भाषा जो कर्म जो भाव जो विचार जो आहार जो व्यवहार जो भी है,
जो परमात्मा से जोड़ने में मददगार हो वो पुण्य। देवहूति ने बहुत अच्छी बात कही है श्रीमद् भागवत में, भगवान कर्दम को, जो कर्दम उससे विदा होने लगते हैं, तो कर्दम का एक शर्त है कि जब तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऋषियों की एक प्रणाली रही, तो ये बहुत पुरानी प्रणाली, यानी कर्दम तो ब्रह्मा का ही पुत्र है मानस, तो देवहूति जो थी वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, तो स्वयंभू मनु ने ले जाकर के देवहूति को उनको समर्पित कर दिया कर्दम ऋषि को। तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त पर उसे स्वीकार किया कि भाई जब इसके पुत्र हो जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, पुत्र तक, पुत्र होने तक मैं इसका ग्रहण करूंगा। ठीक है, तो 10 लड़कियां हो गई, पुत्र हुआ ही नहीं। जब 10 लड़कियां हो गई तो उन्होंने 10 लड़कियां दे दी ऋषियों को, ऋषियों को ही देनी थी, तो 200 लड़कियां 10 ऋषियों को दे दी उन्होंने। उसमें उन्हीं की लड़की थी अनुसुईया, उन्हीं की लड़की थी अरुंधति, जो वशिष्ठ को दी, ऐसे लड़कियां थी। तो दसों महान हुई। अब 11वां जो गर्भ रहा, तो उन्होंने ध्यान में देखा, पहले भगवान के साथ साक्षात्कार हुई, भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित हो रहा। तो उन्होंने कहा भाई देवती से कि भाई अब तो मेरा काम पूरा हो गया, अब की तुम्हारे घर में स्वयं श्रीमन्नारायण पुत्र रूप में आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो आज्ञा दी, मैं तो जाऊँ। तो पहले तो कहने लगी भाई कि प्रतीक्षा तो कर लो कि आ रही है, कहते नहीं आ रहे क्या प्रतीक्षा अब नहीं करता, अब तो मैं चल। तो वहां पर देवहूति ने एक बात कही, तो कहती है कि जिन विषयों का सेवन करने से मनुष्य का मन विषयासक्त होता है, जिन विषयों का सेवन करने से मनुष्य का मन विषयासक्त होता है, उन्हीं विषयों का यदि संबंध महापुरुषों से हो जाता है तो वो विषय नष्ट हो जाता है सदा। इसलिए अब आपके जाने में हमें कोई दुख नहीं, आपके संसर्ग से मेरी समस्त वासनाएं भस्म हो चुकी हैं, इसलिए अब हमारे में कोई वासना नहीं है, आपके जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। केवल एक दुख है मुझे कि इतने वर्षों तक आपके सानिध्य में रही लेकिन आपके तत्व ज्ञान से मैं वंचित, ये दुख है और कोई दुख नहीं। तो भगवान कर्दम ने कहा कि देवी ये मैं जानता था, ये मैं जानता था, लेकिन मेरा दिया हुआ तत्व ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं, अब तुम्हें तत्व ज्ञान देने वाला पैदा होगा वो तुम्हें तत्व ज्ञान देगा, मेरा तत्व ज्ञान तो ग्रहण न कर सके, क्योंकि जब तक भावना दूसरी हो तो वहां पर तत्व ज्ञान काम नहीं करते। वो हमने एक गालिब का पढ़ा, गालिब की गजल है, क्या है वो, ये कहां कि दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे है, कहता है ये कहां कि दोस्ती है जो बने हैं दोस्त नासे है, कोई चारा साज होता कोई जस गुबार होता, क्या है कोई चारा साज होता कोई दिल गुबार होता, क्या है नहीं रह गुजार नहीं कुछ और है, कोई चारा साज होता कोई गुजार ऐसे गम गुसार होता, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता, गम गुसार। तो उसके कहने का अभिप्राय यह है कि जहां दोस्ती की भावना होती है ना
वहां ज्ञान ग्रहण करने की भावना नहीं है। ज्ञान ग्रहण करने की जब तक जिज्ञासा न हो तब तक दोस्त उसको कितना भी ज्ञान दे उसको तो जान दो यार, ये बात बात कुछ नहीं, क्या बात करते हो। आखिर सती भगवान शंकर के साथ ही ब्याह करके आए, भगवान शंकर की प्रिया बनी। और भगवान जो शंकर गए अगस्त ऋषि के यहाँ, तो वो तो सत्संग सुन रहे थे और वो आश्रम देख रहे थे घूम करके। मजे की बात देखिए, वो तो सत्संग कर रहे हैं और वो घूमकर आश्रम देख रहे हैं, क्या बढ़िया आश्रम है, कितना अच्छा है। और जब आश्रम देख लिया, भगवान का सत्संग पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा क्यों देवी चलिए हाँ चलो। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि वो सती जी यानी जा करके अगस्त ऋषि के सत्संग में नहीं बैठे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गयो कुंभज ऋषपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजा उजा तो करा ली बैठ करके भगवान के साथ, लेकिन जब सत्संग होने लगा राम कथा मुनिवर जी बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। कहा सती कहाँ गई, तो सुनने के लिए नहीं बैठी, तो चली वो आश्रम की सैर कर रही थी। तो कह तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। हाँ एक दिन की बात थोड़ी, वो कभी सत्संग में बैठी नहीं थी, तो सत्संग क्या जरूर। भगवान शंकर ज्ञान के निधान उनके पति हैं। तो अब जब आने लगी तो संदेह हो गया भगवान राम के, क्योंकि चरित्र सुने होती तो क्यों संदेह होता, वही तो सारा वशिष्ठ वो बता रहे थे अगस्त जी। जब रास्ते में लौटी तब वो कहने लगे कि भाई जो प्रणाम किया, कहा ये क्या हो गया, तो ये परमात्मा कैसे हो सकते। तो भगवान शंकर ने सोचा कि भाई पूछ तो नहीं नहीं है, लेकिन क्योंकि पति है ना, तो पति का धर्म होता है कि जिसका हित चाहो उसको बिना पूछे उपदेश दे। यद्यपि प्रकट में कहे हो भवानी हर अंतर यानी सब जानी, अब बिना पूछे उपदेश देना वर्जित है शास्त्र में, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ की उसका विधान, तो उसमें एक विधान है कि जिसका तुम हित चाहते हो बिना पूछे उसे उपदेश दे। लेकिन बिना पूछे उपदेश देने पर उपदेश लगता नहीं वहां। तो यद्यपि प्रकट में कहे भवानी हर अंतर यानी सब जानी, तो उन्होंने कहा सुनो सती तो नारी स्वभाव। डंडा भी मार दिया है, संशय असन धरिय उर काऊ, जास कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जास में सुनी मुनि सुनाई, स्वयं ममिष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाय सदा मुनि वीरा। तो वो जब बैठी होती कथा सुनी होती तब तो याद आ जाता कि हाँ हाँ वही है जिसकी कथा कह रहे थे, उन्होंने कथा सुना ही नहीं तो याद कहाँ से आवे। तो भगवान शंकर ने समझाया सुरसिद्ध योगी निरत मन जही धाम ही, क्या है मुनधीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जही धाम ही, कही नेत निगम पुरा आगम जास कीर्ति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, लागन उर उपदेश जदब कहो से बार। अब वही सती, क्योंकि उस समय सती ने वरण किया था वहां प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज थी भगवान शंकर, तो वहां दोस्ती वाली बात थी बराबरी वाली बात थी। लेकिन वही सती जब आकर के हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में पैदा हुई, तो उनकी सारी की सारी वो भावनाएं खत्म हो गई। तो उन्होंने अनुभव किया कि मैं भगवान शंकर की प्रिया होकर के भी ज्ञान से वंचित रह गई, और अब जब विवाह होकर के आया तो पहले उन्होंने यही निश्चय किया कि अब जाते ही सबसे पहले पूछूंगी राम कौन है। तो तुरंत उन्होंने आकर के यही कहा दासी मन क्रम वचन तुम्हारी,
अब बराबरी नहीं है भगवान, अब तो मैं शेर क्या बूढ़ो तत्व न साथ दुरावे आरत अधिकारी जन आरत अधिकारी अति आरत पूछो सुर राया। रघुपत कथा कहकर मैं अति आरत होकर पूछ रही हूँ, आरत नहीं मैं अति आरत, आप मुझे बताओ ये राम तत्व क्या है। ये जो है ना कहने का प्राय कि जहाँ पर इस प्रकार की भावना होती है वहाँ ज्ञान का ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए भगवान करदम ने कहा देवहूति से कि ज्ञान तू मेरे पास लेकर नहीं रह रहते हुए नहीं ले पाई, ये मैं जानता था, लेकिन अब ज्ञान देने वाला तुम्हें आ रहा है। तो भगवान कपिल ने मार दिया और वही सबसे पहले उनके गुरु बने, यानी सबसे पहले सांख्य दर्शन की जो श्रोता है वो देव होते हैं। नारी को यानी ब्रह्म तत्व का बोध ये सांख्य दर्शन की पहला ही यानी मुहूर्त ही से शुरू हुआ। इसलिए इस विचारधारा में स्त्री पुरुष के लिए कोई भेद नहीं है और समान मुक्ति, वही उसी बात को यहाँ पर भगवान ने कहा है, गीता उसी प्रक्रिया की है, वही सांख्य योग की बात है जो कपिल द्वारा प्रवाहित हुई। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल पूर्णावतार है और उन्होंने सर्वप्रथम अपने दिव्य ज्ञान से माँ के जीवन को और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देवहूति ने योग की साधना करके ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली और अंत तो गत्वा और ब्रह्म में लीन हो गई। ऐसा लिखा तो मैंने लिखा है अपनी नारी संत नारी में सबसे पहले मैंने देवहूति की कथा लिखी। ये जो ये तो भगवान ने कहा कि सर्व पाप ही प्रमुच्यते, पाप क्या है ये मैं समझा रहा हूँ कि जो क्रिया जो भाव जो वाणी परमात्मा से जो पद और पदार्थ परमात्मा से दूर करे, जो व्यक्ति परमात्मा से दूर करे वो पाप, और इनमें जो परमात्मा के निकट ले जा वो पुण्य, ये पाप पुण्य की सीधी सी परिभाषा। जो परमात्मा के सानिध्य में ले जाए वो पुण्य है और जो परमात्मा से दूर ले जाए वो पाप। इतनी बात यदि याद रहे तो पाप पुण्य की सही व्याख्या समझ। तो यहां पर भगवान कहते हैं यदि मेरे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर ले, मेरी यथार्थ रूप को समझ ले, महिमा को समझ ले, वह मनुष्य पूर्ण प्रज्ञ हो जाता है और सर्व पाप ही प्रमुच्यते, संपूर्ण यानी क्रियाओं पद और पदार्थों और व्यक्तियों से वस्तुओं से, तीन चीज होती है व्यक्ति वस्तु और क्रिया, ये तीन चीज, इन्हीं तीनों का नाम संसार है। वस्तु व्यक्ति और क्रिया इन्हीं तीनों का नाम है संसार। तो जो वस्तु जो व्यक्ति जो क्रिया परमात्मा से जोड़े उसको कहते हैं पुण्य, पूते पुण्य माने पूते, जो पवित्र बनाता है। पवित्र क्या है परमात्मा, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, पवित्र माने परमात्मा। इसलिए भगवान के सहस्र नाम में एक उनका नाम है पवित्रम, गीता में भी आया पवित्रम परमम भवान, भगवान का नाम है पवित्र। तो ये जो पवित्र है पूत है पवित्र है, जो पवित्र करने वाला है पूत करने वाला उसको क्या कहते हैं पुण्य, पवित्र। और जो भगवान से दूर करने वाला है उसको कहते हैं पाप, ये पाप और पुण्य की परिभाषा बड़े सरल शब्दों में है। तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, भगवत तत्व का भगवत महिमा का बोध होने पर अपने आप पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक भाव परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सर्वलोक महेश्वर परमात्मा है। तो याद रखो वस्तु व्यक्ति और क्रिया ये तीनों परमात्मा से जोड़ दे। अब कहीं जा रहे हो सुंदर सी जगह दिखाई दी, अब सुंदर सी जगह दिखाई दी और ये हो गया
कि भाई इस जगह पर यदि शांत होकर बैठते तो परमात्मा का ध्यान बहुत अच्छा है। अब वो पवित्र स्थान क्या बन गया? पुण्य क्षेत्र। और यदि बड़ा एकांत जगह है, यहाँ शराब ले आते पीते वेश्या होती साथ में नाच करते गाते, क्या होगा? पाप होगा। जगह वही है। अब उस जगह को देख करके है ना, रामायण में भगवान नारद बद्री का आश्रम में पहुंच गए। और बद्री का आश्रम में पहुंचते उन्होंने जब सुंदर स्थान देखा तो तुरंत तुरंत उनको भगवान याद आए। ऐसे स्थान पर तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। बैठ गए भाई। अभी बद्री नारायण से 2 मील आगे नारद गुफा है, जहाँ बैठ के पुत्र ने ध्यान किया सरस्वती नदी के ऊपर। हाँ, नारद गुफा अलग है, व्यास गुफा अलग है। गणेश गुफा भी है, नारद गुफा है, गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। व्यास गुफा नहीं, व्यास गुफा गए थे तो वहाँ बैठे थे। व्यास गुफा है, नारद गुफा है, गणेश गुफा है और 2-3 गुफाएं और हैं। तिलक मैं योगानंद, हाँ यहाँ से लेकर ये नहीं पूछ। तो वो वहाँ पर इन्हीं कहने का प्राय कि वहाँ पर उस स्थान को देख करके उनको भगवान याद आए। तीर्थ स्थान की महिमा क्या है कि तीर्थ में जाने पर भगवान याद आता है। मंदिर में जाओ तो भगवान याद आता है, होटल में जाओ तो शराब याद आएगी। फिर जहाँ जाओगे जैसा संस्कार, स्थान की यही तो महिमा है। गंगा जी किनारे जाकर जब बैठोगे तो भगवान याद आएगा। यात्रा है तो इस प्रकार की वृत्ति बनती है, सात्विक वृत्ति। वो पूर्ण हो जाता है वो पाप हो जाता है, वो पुण्य क्षेत्र होता है वो पाप क्षेत्र होता है। तो भगवान कहते हैं सर्व पापे प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है जो मेरे को ये जान जाए। तो वो कैसे जानेगा? तो भगवान ने कहा कि ये जो दुनिया के भाव है, भाव माने भाव शब्द का अर्थ होता है धर्म। धर्म, धर्म माने प्रॉपर्टी, या धर्म माने प्रॉपर्टी। दुनिया के धर्म है जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, वायु का धर्म है गति, जल का धर्म है शीतलता, इसको कहते भाव। अग्नि का भाव है उष्णता, जल का भाव है सरसता, वायु का भाव है गति, या भाव माने धर्म। प्रॉपर्टी धर्म, क्वालिटी प्रॉपर्टी धर्म। अब भगवान यहाँ पर बताना शुरू किए, बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सतम तम सम सुखम दुखम भव भाव भयम च अभयम एव अहिंसा सता तुष्टि तपो दान यशो अरह भवति भावा भूताना मत एव। दो श्लोकों में भगवान ने बताया कि भूताना पृथक विधा भावा भवन्ति। प्राणियों में अनेक प्रकार के, पृथक विधा माने विविध प्रकार के भाव होते हैं। भाव माने सहज नेचुरल इंस्टिंक्ट समझ लो। वो किससे होते हैं? का मेरे से होते हैं, मेरे से ही सारे भाव होते हैं। पुण्य भाव परमात्मा से होता है तो पाप भाव किससे होता है? जब सारे भाव मेरे से होते हैं ये यदि जान जाए तो पूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो जान नहीं पाता, कहता है जमान कि सारे भाव तो परमात्मा से। यदि ऐसा हो तो कभी वो पापी से घृणा करेगा? क्यों करेगा? राग द्वेष के लिए क्या स्थान रह जाए? तो पाप पुण्य और विधुय, पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाए, पुरस्कारों से मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, बिना जाने नहीं होता, जान जाए तो हो जाता है। मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी बच्चेपन में,
10 साल का रहा हूँ यहाँ, तो मेरे याद है 8 साल एक महात्मा के मैंने दर्शन किए और घूम के, तो वो छाछ मठा पीते थे छाछ, हाँ, तो बगल में कुत्ते ऐसे बैठे होते थे, ऐसे चमारों के लड़के बैठे होते, एक पेड़ के नीचे बैठे गंगा किनारे, तो वो मुझे वहाँ एक उस गांव में, मेरे बुआ का जो गाँव था, गाँव में एक सज्जन थे जिनका रोज का एक काम था कि सवेरे शाम तक तो गंगा किनारे घूमते देखते कौन से आता, तो बहुत से ऐसे संत हैं जो प्रयाग और काशी की परिक्रमा करते हैं, यानी प्रयाग से ऐसे परिक्रमा गंगा जी को इधर पार कर लेते हैं, गंगा किनारे किनारे से जाते हैं, फिर काशी जाते हैं, काशी से फिर गंगा पार करके फिर उस किनारे से लौटते हैं, वो ऐसे परिक्रमा करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं और कुछ नहीं करते, सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध लोग और धूप चुके उसमें एक संत, तो अब वो जाते इधर से जाते हैं संत परिक्रमा करते तो गंगा किनारे है, तो उनको प्रार्थना करते ले आते बैठाते क्या सेवा करते, तो संत से देगा तो उन्होंने कहा कि हमें खास घर छाछ लेने गए तो मैं छोटा था, तो मेरे को उन्होंने बुलाया अच्छा तुझे महात्मा बड़े उत्सुकता से भजन पड़ा कुछ, और वो मटकी भर करके घास में मक्खन मक्खन डाल करके जैसे पंजाब में देते जहाँ से मक्खन से पहले वहाँ भी था गंगा किनारे का, वो लेकर गए, लेकर गए जब वहाँ पर उन्होंने उनका खप्पर था ऐसे जो कटा हुआ जिसकी चिप्पी है आधा जो चिप्पी कटी हुई है उसमें डाल दिया, डाल दिया तो बच्चे बैठे हुए थे, तो उन्होंने पहले लिया स्वान भगवान तुम भी पियो ले कुत्ते के आगे रख दिया, वो कुत्ते पीने लगे बच्चे छोटे 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 क्यों भाई मटका भर गया तो पी लिए फिर भर गया चले गए अभी ना तो नहीं पियोगे अच्छा जाओ फिर उठा उसने पीने लगे तो हमें बड़ा लग जाता है कुत्ते की जूस पिया अब वो बैठे रहे नंगे देखो अवधूत थे नहीं कोई वस्त्र दिगंबर थे, पहली बार जिंदगी हमने महात्मा देखे महात्मा होते, तो जब मैं चला तो उनसे कहा उनका भैया आप करे थे बहुत बड़े संत हैं वो तो कुत्ते का दूध पिए वो चमारों के लड़कों को उसी में पिलाए उसी में आप पीने लगे ये महात्मा कैसे, उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा बहुत जो महात्मा बहुत ऊँची अवस्था में पहुँच जाता है तो उसकी जिंदगी में कोई भेद नहीं होता, तो ब्राह्मण में कुता में किसी भी नहीं था, तो बिना कुछ लोग बोल दिया उन्होंने सुनी चलो पाटे मैं नहीं चाहता 10 साल क्या पता क्या बोलते हैं, तो उन्होंने समझा ऐसा भगवान ने गीता में लिखा है कि जब आदमी महात्मा बहुत ऊँचा अवस्था पहुँच जाता है तो उसको भेद नहीं रहता, ये तो खूब बड़े योगी है अभी याद है वो पेड़ याद है उस पेड़ के जड़ के नीचे जहाँ बैठे वो याद है उसकी शक्ल याद है पूरी कुत्ते पहले सब याद है हम कभी याद करते बिल्कुल पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है 10 साल का हूँ 8 साल 10 साल ऐसे मैंने देखे ये स्थिति है कि भगवान कहते हैं कि जितने भाव दुनिया में वो मेरे से भाव माने अभिव्यक्ति वो अच्छी अभिव्यक्ति या बुरी अभिव्यक्ति है सब मेरे से लेकिन ये सब जानते नहीं यदि जान जाए फिर तो फिर अंतर क्या है तो भगवान इसकी व्याख्या आगे करेंगे वो कल कर देंगे बुद्धिर ज्ञानम या कितनी चीजें हैं भाव याद रखो बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एवच अहिंसा समता पुष्टि तपो दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मध्यव प्रतिविधा इतने 20
20 भावों को यहाँ पर भगवान ने व्यक्त किया है। अब कुछ के तो अपोजिट हैं, कुछ के अपोजिट नहीं है, तो जिसके अपोजिट नहीं है उनको भी आप उसमें गिन लें। जैसे बुद्धि का अपोजिट निर्बुद्धि पूर्णता, ये तो बता दिया, और ज्ञान का अपोजिट है। अब असम्भव, तो बुद्धि ज्ञानम असम्भव, तो असम्भव का विपरीत क्या है? सम्भव। ज्ञान का विपरीत अज्ञान, बुद्धि का विपरीत निर्बुद्धि, तो ये नहीं बताया, एक पक्ष बताया। लेकिन कहीं का जैसे भय और अभय, सुख और दुख, भाव और अभाव, यश और अपयश, यश और अपयश, ये सारा, तो कहीं पर उन्होंने इन्हें पेयर बताए, कहीं पर नहीं बताया। लेकिन जहाँ नहीं बताया उसको भी उसमें गिन लेना चाहिए। 34 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भाव द्वंद्वात्मक होते हैं। द्वंद्वात्मक माने दो, पेयर ऑफ अपोजिट इसको कहते हैं। ये इसको गिन ली कि इतने भाव जो हैं ये सब मेरे से होते हैं। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों को गिनाया और विभूतियों में 70 विभूतियां गिनाई, 70 ही थोड़ी हो तो बहुत है, लेकिन 70 विभूतियों को गिनाया है यहाँ। और इन विभूतियों को आप देखें तो एक दिन मैंने बताया था, मैं आगे समझाऊंगा, कई कैटेगरी पाई जा सकती। तो इसमें मनुष्यों में विभूति, देवताओं में विभूति, दैत्यों में विभूति, राक्षसों में विभूति, और पशुओं में विभूति, पक्षियों में विभूति, वनस्पतियों में विभूति, और स्थावरों में विभूति, और जल में, और इन्हीं को क्या नाम, 7वें अध्याय में कुछ विभूतियाँ गिनाई हैं और कुछ विभूतियाँ 9वें अध्याय में गिनाई, कतुरम अमृत्य सुधाम के 9वें अध्याय में, और रसोम अपस्कौंत्य प्रवासिष, ये 7वें अध्याय। तो 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में जो गिनाई थी उन्हीं को आगे यहाँ बताएंगे। और ये किसके लिए हैं? भगवान कहते हैं इन भावों में केश केश के भावेशु चित्तो अस भगवन मय। आप मेरे द्वारा किन किन भावों में चिंत है, तो जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन करना चाहिए उन उन भावों को भगवान ने आगे समझाया है, और ये क्रमशः समझाया जाएगा। ओम भर्गो स्वत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वादेव सवितुर्कृतानुकरास्य सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तुरामया सर्वे भूतानि पश्यन्तु मां पश्यतु प्रणाम भवेत्। ओं प्रणमदः प्रणमदं प्रणात्मं विरचिते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं बाधक पाप। अथवा भगवान की अनन्य भक्ति के बाधक तत्व को पाप कहते हैं। जो भगवान से दूर करे वो पाप। पाप से ग्रसित जीव जब तक उससे मुक्त नहीं हो पाता तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक ही एक सिखावत करत न आप, तुलसी राम भगत कर बाधक पाप।
एक दूसरे को शिक्षा तो देते हैं लेकिन स्वयं आप उसे नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो कहा कि भगवान की भक्ति में बाधक जो तत्व है वो पाप है। जो भगवान से दूर करे वो पाप है। तो आप तो उसी में लगे रहते हैं जो भगवान से दूर रखता है, लेकिन दूसरे को उपदेश देते हैं कि भैया हम तो गृहस्थी में फंसाए लेकिन तू ऐसे नहीं, हम तो गृहस्थ है हम का करें। तो तुम गृहस्थ हो तो तुम्हें पाप के साथ रहने का प्रमाण पत्र मिल गया है। फिर सुख की कामना से रोते क्यों? तो पाप का परिणाम तो दुख होता है। भगवान से जितना दूर चला जाए व्यक्ति उतने दुख होगा, भगवान के जितना निकट चला जाए व्यक्ति उतने उसे सुख। जो सदा निकट रहते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। सुखी मीन जन नीर अगाधा जिम हरि शरण में एक बार, भगवान की शरण में रहने वाले के लिए कोई बाधा नहीं। वो दुख की घड़ियों में भी आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए जो भगवान से दूर करे वो पाप। तो जो पाप को नष्ट करते हैं, कैसे पाप को नष्ट करते हैं? पुण्य कर्मणा, पांचवें अध्याय में एतु अंतगतम पापं जनानां पुण्य कर्मणा, पांचवां सात। पुण्य कर्म क्या है? जो भगवान को भगवान के नजदीक ले आए, जिन जिन क्रियाओं से भावों से वृत्तियों से भगवान के नजदीक आ जाए तो पुण्य कर्म। और जिन जिन क्रियाओं भावों वृत्तियों से भगवान से दूर जाए वो पाप कर्म। पाप और पुण्य की गीता में यही परिभाषा है। तो जब तक पाप का नाश नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान के सानिध्य में नहीं जा सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए पुण्य कर्मों के आश्रय से भगवान के भक्ति में बाधक जो पाप है उसका नाश होता है। ये तो बोल दिया अध्याय को सात ठीक है, पाँच में सात तो ये तो अंतगतम पापम, पाप का अंत कैसे होता है? पूर्ण कर्म, पूर्ण कर्म से पूत कर दे, पवित्र कर दे तो पूर्ण कहा जाता है। और पूर्ण सबसे बड़ा क्या है? तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा, पूर्ण एक यही सम नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद, विद्वान की संग। इसी का दूसरा नाम है सत्संग। तुलसीदास जी ने क्या लिखा दूसरी जगह? सत्संगत मुद मंगल मूला सोई सिद्धि, सोई फल सिद्धि सब साधन थे। तो पुण्य का स्वरूप है सत्संग, क्योंकि सत्संग में आने से पाप नष्ट होता है और पुण्य माने परमात्मा के निकट जाने की वृत्ति बनती है। इसीलिए नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विदु, पवित्र बनाने वाला सबसे बड़ा साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिन सत्संग विवेक, सत्संग। इसलिए सत्संग से बड़ा और कोई पुण्य नहीं, और कुसंग से बड़ा कोई पाप।
कुसंग से बड़ा कोई पाप नहीं दुनिया में, जितने पाप होते हैं सब कुसंगति के बच्चे। सत्संग से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि जितने सुकृत होते हैं सब सत्संग के। इसलिए भगवान ने बताया कि सत्संग में जाकर ज्ञान की आराधना करके जो मेरे स्वरूप को, मेरी महिमा को, मेरे स्वभाव को जान जाता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट होने पर वो मेरा पुत्र बन जाता है, मेरे से दूर हो जाता है। तो यो माम अजम अनादिम च, मैं अजन्मा हूँ क्योंकि मैं अनादि हूँ। अनादि माने जिसकी आदि नहीं है। जन्म प्रादुर्भावे, जन प्रादुर्भावे, ये जन धातु है जिससे होता है प्रादुर्भाव होना, उत्पन्न हूँ। तो मैं तो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं भगवान का, मैं तो अज हूँ। अज माने जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो जन्मता ही नहीं। मैं किसी प्रकृति के संयोग से, माता पिता के रज वीर्य से नहीं जन्मता। भगवान का अवतरण होता है, जन्म ही निरंतर। सनातन धर्म में भगवान का जन्म नहीं मानते, अवतरण मानते। अवतरण का अर्थ होता है प्रकट हुए, जन्म का अर्थ होता है जन प्रादुर्भाव, माता पिता के रज वीर्य से पैदा होना वो जन्म, और स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होना, अवतरित हो जाना होता है। तो भय, इसीलिए उसको दिव्य कहा, वो किसी कर्म के बस नहीं है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, मैं अपने प्रकृति को स्वयं माध्यम बनाकर आत्म माया द्वारा, आत्मयोग द्वारा प्रकट होता हूँ। संभवामी माने प्रकट होता हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अब प्रकट कैसे हुए? भय दीन, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बच्चा नहीं, लोचन घन श्यामा, लोचन अविरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंध खरा। तो भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देखकर के कौशल्या में हो गए। यही स्थिति देवकी के साथ भगवान कृष्ण की। तो जब भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ पूर्ण अवतार जो होता है उसमें भगवान रजवीर जिसे नहीं आते। तो देवकी को गर्भ क्या था? तो उसमें लिखा है पुराण में, तस्मात अष्टमो गर्भो वायु पूर्णो बभूव। भगवान की माया नाटक करती है, उसको गर्भाधान का अनुभव हो जैसे कि हमारे गर्भ है, तो उसके गर्भ में वायु भर दे, तो वायु पूर्णो बभूव। तो मैंने अपने उसमें श्याम शतक में लिखा है कि जो गर्भ के रूप में वायु था, भगवान जब प्रकट हुए तो वायु समाप्त हो गया, तो यशोदा तो देवकी आश्चर्य से देखती रही, ये क्या हो, बच्चा कहाँ गया, बच्चा तो था ही नहीं, तो बच्चा कहाँ गया। तो ये जो स्थिति है भगवान का जन्म कर्म, इसीलिए दिव्य, दिव्य माने वो किसी कर्म के प्रभाव में जीव जो जन्मता है वो कर्म के वशीभूत होता है, और ईश्वर का अवतार जो होता है किसी कर्म के परिणाम नहीं होता। निज इच्छा प्रभु हो करें सुर मही गो दिज लाग, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम वेत्ति, जो मेरे अनादि और अजन्मा स्वरूप को जान जाता है और समस्त लोकों का महा ईश्वर है ऐसा जान जाता है, वह असमूढ़ समर्थेषु, वह मनुष्यों में असमूढ़ है, पूर्ण प्रज्ञ है। और इससे क्या होता है, उसे सर्व पाप प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से, पापों माने भक्ति में बाधक तत्वों से मुक्त हो, फिर उसकी भक्ति में कोई बाधक तत्व नहीं रहे।
भक्ति के जो बाधक तत्व हैं वो भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होना। ये दसवां अध्याय है पंडित जी, दसवें अध्याय का तीसरा। ये जो है भगवान की भक्ति में जो बाधक तत्व है पाप, उससे वह विमुक्त हो जाता है। सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब कहा कि जो मनुष्यों में विविध प्रकार के भाव हैं, तो भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं, ये पाप पुण्य ये भाव ये भी तो मेरे से उत्पन्न होते हैं। तो कहा कि ये पाप वाले भाव भी उत्पन्न होते हैं, पुण्य वाले ही होते हैं। वैसे सही में होते तो पुण्य वाले हैं, पाप तो उसकी छाया भी कहते हैं। आसक्ति में पाप बन जाता है वो पुण्य। क्रिया एक ही है, आसक्ति हुई तो पाप बन गया, नहीं तो पुण्य। और भी कुछ ऐसे दोष पूर्ण होते हैं, दोष जन्य ही है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि हमारी भक्ति में जो साधक तत्व है और संसार में जो बाधक तत्व है, यहाँ पर भगवान ने अपने 20 भावों को गिनाया। 20 और ऐसे ही भगवान ने 26 भाव गिनाए हैं गीता के 16वें अध्याय, जिसको उन्होंने दैवी संपत्ति कही है, और बहुत से भाव आसुरी संपत्ति के रूप में भी। यहाँ भगवान बताते हैं कि बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम च एवं